हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं अपना व्लॉगिंग आज इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ और ये सेटिंग तो आप लोग देख चुके हो, काफी अच्छा लगता है ना। तो आजकल मैं वही चाय पी रही हूँ। तो मैं आज अपना व्लॉगिंग अभी इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ और दिया ये सब दिखाना हो गया है, कर्टन भी लगा दी हूँ। कर्टन तो लगा दी हूँ बट ये हटाऊंगी मैं, शाम को तो लगाती हूँ बट शाम को ही हटा देती हूँ। आज डे टाइम में ही लगा दी थी। ओह, मैं लाइट क्यों ढूंढ रही हूँ यहाँ। आज डे टाइम में ही लगा दी थी, धूप आ रही थी तो डे टाइम में लगाई थी, तो अभी हटा दी हूँ क्योंकि मैं किचन में आ गई हूँ। तो किचन में आ गई हूँ तो काम करूंगी, गर्मी लगेगी मुझे। चलिए मैं पहले चाय बना देती हूँ, फिर आप लोग से बात करती हूँ। मैं आ गई हूँ किचन में और चाय बनाने से पहले ही बर्तन जितना भी है वो सबको जगह पे लगा दूंगी। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया कि अपने हस्बैंड से मिलाओ। तो फाइनली आज मैं आप लोगों को अपने हस्बैंड से मिला ही दूंगी। वो मेरे ब्लॉग में आते हैं बट बहुत कम आते हैं। पहले वाले ब्लॉग में बहुत आते थे बट अभी कम आने लगे हैं क्योंकि काम वाम रहता है तो बिजी रहते हैं। तो आज मेरे हस्बैंड आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं और आप लोग मिल लेना मेरे हस्बैंड से। आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट कर किया और मैं अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट कर करके मनाई, तो बोले चलो मैं ज़्यादा बात बात तो नहीं करते हैं, वो तो बात बात नहीं करेंगे बट एक रेसिपी शेयर कर देंगे और आप लोग मिल लेना मेरे हस्बैंड से। तो आज जो मेरे हस्बैंड रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो ग्रिल चिकन रेसिपी है जो ओवन में बनाएंगे। और ये ओवन का बर्तन ही धो के मैं रख रही हूँ इधर। शादी के बाद जो खरीदी थी वही वाली है ये। ये अभी तक चल रहा है मेरा। टाइम मेरी वो बन गई। तो बन गई मेरी चाय। यार गर्मी इतनी रहती है ना, कुछ खाने का मन नहीं होता है ना। तो थोड़ा सा मिक्सचर खा लेती हूँ तो चाय अच्छी लगती है इसीलिए। थोड़ी सी चाय, दो बिस्किट तो मैं अपने दे दूंगी, दो हस्बैंड के लिए। बड़ी गर्मी है यार, पता नहीं हस्बैंड खाएंगे कि नहीं। दे देती हूँ। चलिए बन गई मेरी चाय और अब हम चाय पी लेते हैं। चलिए आप लोग भी मेरे साथ। देखिए मैं बिस्किट को चाय में भिंगो भिंगो खा रही हूँ और आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स का रिप्लाई कर रही हूँ। तो दो तीन टाइम मेरा एकदम फिक्स है, जैसे मॉर्निंग टी टाइम, इवनिंग टी टाइम, लंच के बाद, और बाकी जब टाइम मिलता है तब आप लोग के प्यारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। चाय हो गई खत्म। हे गाइस, तो मैं कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर करी थी, इवनिंग ब्लॉग, जिसका टाइटल था पति पत्नी का रोमांस। उसमें मैं एक क्वेश्चन पूछी थी, जो मैं रेसिपी बना रही थी उसका नेम क्या है। तो आप लोगों में से ना बहुत कम सही आंसर दिया है। आंसर तो बहुत दिया है बट बहुत कम जो सही आंसर दिया था। तो मैं बोली थी कि मैं इवनिंग का जब भी ब्लॉग पब्लिश करूंगी तभी मैं उसमें नेम लूंगी। मॉर्निंग में तो हमेशा ही करती रहती हूँ बट इवनिंग का जब भी मैं ब्लॉग पब्लिश करूंगी उसमें मैं नेम लूंगी। तो आज मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो लकी पर्सन कौन कौन है। ब्लॉगों में बोली थी कि मैं किसी एक का नेम लूंगी बट यहाँ मैं चार चार का नेम लेने वाली हूँ इस ब्लॉग में। डिनर में बनाई थी उस रेसिपी का नेम है पुआ और अब चारों का मैं नेम इस ब्लॉग में लेने वाली हूँ। तो फर्स्ट नेम जो है देश गौरव, सेकेंड जो है बिंग मी प्रिया, एक यूट्यूबर है और बहुत अच्छा अच्छा वीडियो बनाती है, तो बिंग मी प्रिया, ये भी एकदम करेक्ट आंसर दी थी। थर्ड जो है सोनिका चंद्रा, सोनिका चंद्रा जी आप भी करेक्ट आंसर दी थी पुआ। और फोर्थ जो आंसर दी थी वो है एंजॉय योर पैशन, ये भी करेक्ट आंसर दी थी, ये भी पुआ बताई थी। आप चारों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया। कैसा लगा आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछने का ट्रिक? अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन बताओ, तो फिर से मैं कोई ब्लॉग बनाऊंगी तो मैं उसमें कोई क्वेश्चन पूछूंगी और आप लोग आंसर बताना और आप लोग
बनाऊंगी आज तो हस्बैंड बनाएंगे, बट मैं देखूंगी कि कैसे बनाते हैं हस्बैंड। चलिए चलते हैं। और देखिए आज मैं रिप्लाई करने बैठी थी, कुछ का रिप्लाई करी हूँ कुछ का नहीं करी हूँ, अब आराम से करूंगी खाना खा के थोड़ा देर रिप्लाई, क्योंकि आज मुझे नीचे जाना नहीं, आज इवनिंग वॉक के लिए नहीं जाना है, तो खाना खा के आराम से करूंगी। चलिए तब तक बंद करके रख दिया जाए, नहीं तो देखती हूँ किचन में अगर काम हो जाएगा तो फिर आती बैठती हूँ फिर से सफा लगाऊंगी। तो मेरे पति देव का एंट्री हो चुका है ब्लॉग में, और वो चिकन के साथ हुआ है एंट्री। तो यहाँ हम 700 ग्राम चिकन मंगाए थे, बट हम दो अभी जो लेग पीस मतलब थाई के साथ जो लेग पीस है ना वो पूरा लिए हैं, और उस दो को ही, दो हमारे दोनों के लिए काफ़ी है, जार बनाते तो ज़्यादा हो जाता, तो मैं दो पीस रख दी हूँ और दो ले ली हूँ। तो इसको पहले हम कट लगा लेंगे, जैसे कि मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं वॉइस ओवर, मैं कर रही हूँ हस्बैंड नहीं कर रहे हैं, और मैं हस्बैंड ऐसे ही जो कुछ कुछ बोल के मजाक चलता रहता है ना, वही हस्बैंड के साथ मजाक चल रहा है मेरा, वो तो नहीं बोलते हैं ज़्यादा और मैं बक 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 करती रहती हूँ, मेरा तो बक बक का आदत है। तो मैं पूछ रही हूँ कि कितना डालना है, तो कितनी क्वान्टिटी में जाएगा, तो 3 स्पून हम ले लेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और जितना भी पाउडर है ना ड्राई वो स्पाइसेस वो सब मैं वहाँ निकाल दी हूँ प्लेट में पहले ही, तो वो सब मैं डालते टाइम में बता दूँगी। तो सबसे पहले हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे इसमें, फिर डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, और फिर डाल देंगे हाफ लेमन का जूस, पूरा लेमन का जूस डाल देना है इसका, और फिर हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे इस तरह से जैसे मेरे हस्बैंड मिला रहे हैं। पेस्ट सबको अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और थोड़ा सा हल्दी डालना है, हल्दी ज़्यादा नहीं डालना है नहीं तो कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसलिए हल्दी एकदम कम डालना है। सबको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे जैसे मेरे हस्बैंड मिला रहे हैं, बस वैसे ही मिला लीजिए आप भी। देखिए मसाला अच्छी तरह से मिल गया और कितना अच्छा कलर आया है, बस इसे अब हम ढक के छोड़ देंगे 20-30 मिनट के लिए, उसके बाद ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा, तब तक हम इधर ओवन को प्री हीटिंग में डाल देंगे 20 मिनट्स के लिए। जब तक मैरिनेट होगा तब तक ये ओवन भी हीट हो जाएगा, तो हम इसे 20 मिनट के लिए लगा दिए हैं, तो ये हीट हो रहा है। क्या तो हो गया है आधा घंटा मैरिनेट करे हुए, अब होगा रोशन जो, अब खोल दूं क्या? आधा घंटा हो गया मैरिनेट करे हुए, अब हम क्या करेंगे, ओवन में डालेंगे ना, ओवन में डालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है और ओवन में कैसे डालना है। तो 30 मिनट हो गया है मैरिनेट करके, उसके बाद हम जो ओवन का जो भी बर्तन है आपके पास उसमें इस तरह से हल्का सा ऑयल लगा लो, फिर आप जो भी ऑयल खाते हो वो लगा सकते हो, फिर जो ये मैरिनेट किया हुआ चिकन है उस पर थोड़ा थोड़ा हल्का सा ऑयल लगा देंगे इस तरीके से। हाथ से इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इस पर ना मसाला लगा हुआ है, अगर हम ब्रश यूज करेंगे ना तो ये मसाला हट जाएगा, इसलिए हाथ से ही इस तरह से आप हल्का हल्का ऑयल लगा दो इस पर। तो इस तरह से हम दोनों लेग पीस पे लगा लेंगे ऑयल। तो अब हम इसे ओवन में डाल देंगे, और इसे डालने से पहले हम इसमें एक स्टैंड डाल देंगे, उसके ऊपर से ये प्लेट डाल देंगे। फिर इसे हम बंद कर देंगे और 20 मिनट के लिए कन्वेक्शन मोड में पकने देंगे, 10 मिनट एक साइड पकने देना है और 10 मिनट एक साइड पकने देना है, तो हम 20 मिनट लगा दिए हैं यहाँ। तो 10 मिनट हो चुका है, एक साइड पक चुका है, अब इसे हस्बैंड दूसरी साइड पलट रहे हैं, तो इस तरह से हमें 10-10 मिनट दोनों साइड पका लेना है इसे, और मेरी शरारत यहाँ भी स्टार्ट है। आज मेरे किचन में कौन आया?
बहुत खुश हूँ। तो हस्बैंड तो बहुत शर्माते रहते हैं, नहीं आना चाहते रहते हैं कैमरा में, बट मैं घिंच घिंच के मना मना के आज नहीं चलो आज तो थोड़ा सा मतलब एक रेसिपी शेयर कर दो, बाकी आप मत बोलना कुछ नहीं करना, आप एक रेसिपी शेयर कर दो तो मान गए चलो मैं कर देता हूँ, बहुत टेस्टी होता है बहुत। चलिए अब ये तो हो रहा है, तब तक मैं अपना रोटी भी बना दूँ। ये आटा ये क्या बोलते हैं जल्दी में चाल के रख दी हूँ, अब सिर्फ मिलाना है रोटी बनाना है। चलिए बना दे क्योंकि इसको ना अभी 10 मिनट ही है, ये 10 मिनट में हो जाएगा, तब तक मेरा रोटी भी बन जाएगा, बना लेते हैं फटाफट। तो जब तक उधर चिकन हो रहा है तब तक मेरी इधर रोटी बन जाएगी, क्योंकि चिकन बनाते बनाते हस्बैंड सबका काम तो पता है ना, एक कुछ बनाएंगे और किचन फैला के रख देंगे तो वही कि किचन पूरा फैला हुआ है, तो मैं रोटी बना के रख दूंगी, उसके बाद मैं किचन समेटूंगी। तो ये देखिए कितनी फुली फुली हुई रोटी बन रही है मेरी। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसे निकाल लेना है। 10 मिनट एक साइड पकाए हैं, 10 मिनट एक साइड पकाए हैं, और अब इसे निकाल के ग्रिल होने के लिए डालेंगे। और मेरी भी हाफ रोटी बनी है, हाफ रोटी बननी बाकी है, और ये देख कितना यम्मी लग रहा है, मन हो रहा है अभी खा लूँ तो जो ग्रिल स्टैंड है उसके ऊपर इसको डाल देंगे, और जो भी मसाला है प्लेट में बस थोड़ा बहुत रह जाता है प्लेट में, तो उसको भी ऊपर से इस तरह से लगा देंगे। और इसे अब हम फिर से ग्रिल होने के लिए डाल देंगे। फिर हम इसे बंद कर देंगे और 10 मिनट एक साइड ग्रिल करेंगे और 10 मिनट दूसरे साइड ग्रिल करेंगे। तो अभी हम 10 मिनट पे लगा दिए, 10 मिनट तक ग्रिल होगा। तो ये हो रहा है ग्रिल, देख सकते हैं। तो बन गई है मेरी रोटी भी, रोटी बनाने के बाद मैं किचन क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अभी टाइम है चिकन बनने में, तो तब तक काफ़ी मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो खाने के बाद कोई टेंशन नहीं रहेगा अगर मैं अभी किचन क्लीन कर लूँगी। रोटी बनाने के बाद तो पता ही है कुक टॉप का हाल, तो वो सब मैं क्लीन कर लूँगी, और जो भी ओवन से बर्तन निकला है ना वो सबको भी मैं खुद ही धोती हूँ, वो आंटी के लिए मैं नहीं छोड़ती हूँ। और यहाँ भी बहुत सारा ऑयल गिर गया था तो इस सबको भी मैं साफ़ कर दूँगी, तो इस सब पर भी थोड़ा सा सर्फ लगा दूँगी, ये थोड़ा सा यहाँ जो भी हैंड वॉश है सर्फ होता है वो लगा के साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ऑयल गिरता है तो ऐसे साफ़ करने से थोड़ा सा चिटचिट हो जाता है, तो यहाँ मैं हैंड वॉश लगा के इसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर दूँगी। तो चलिए किचन क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद फिर बातें करती हूँ। तो 10 मिनट हो गया है, अब इसे दूसरी साइड पलट देंगे। और ये थोड़ा हस्बैंड को ना ये हाइट ज़्यादा है ना, थोड़ा हस्बैंड को दिक्कत हो रहा था पलटने में, तो मैं बोलती थी मैं ही पलट देती हूँ, तो मैं आराम से इसे पलट रही हूँ, तो मैं दूसरी साइड भी इसे पलटती हूँ। अब इसे फिर हम 10 मिनट तक ग्रिल होने के लिए छोड़ देंगे। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। तो हाफ बर्तन मेरा धुला था और हाफ बर्तन में मैं पलटने चली गई थी, उधर हस्बैंड आ गए थे चिकन को पलटने के लिए, तो मैं भी चली गई थी। तो इसे जितना भी ऐसे का ग्लास होता है, चाहे ऐसे का कोई बर्तन होता है या नॉन स्टिक का बर्तन होता है, तो वो सब मैं मैक्सिमम ट्राई करती हूँ कि खुद ही धो लूँ, क्योंकि आंटी पे छोड़ देती हूँ ना, तो आंटी कभी कभी ना वो जो स्टील का बर्तन धोने वाला होता है ना वो लगा देती है, तो उससे ये सब खराब हो जाता है, या शीशे का ग्लास होता है या कुछ टूटने का डर होता है, उससे अच्छा है कि मैं खुद ही धो लूँ, तो वो सब मैं खुद ही धो लेती हूँ ये सब बर्तन। और फिर ये कुक टॉप साफ नहीं करी थी तो इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और रोटी खाओ ना तो डबल मेहनत हो जाता है कुकटॉप साफ करने में इसलिए मुझे रोटी खाना अच्छा ही नहीं लगता है तो 10 मिनट हो चुका था, बंद कर दी थी मैं इसे, और हस्बैंड को अब आलस आ गई, बोलते हैं अब तुम निकालो तो मैं बोली ठीक है मैं निकाल देती हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा से ग्रिल हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये ग्रिल हुआ था, ये देखिए मस्त होना है, मस्त। तो आप लोग भी टेस्ट कर लो, हस्बैंड कुछ कोई रेसिपी फर्स्ट है आप लोग साथ शेयर कर रहे हैं, तो कैसा बना है टेस्ट करके पक्का बताना। तो चलिए मैं कर देती हूँ डिनर, थोड़ा सा आप लोग भी कर लो। और ये देखिए म्यूजिक के साथ मेरा डिनर स्टार्ट है। तो बहुत ही टेस्टी बना था ये ग्रिल चिकन, और रोटी तो हम एक आध खाते हैं, ग्रिल चिकन से ही हमारा हो जाता है।
तो ये देखिए, कल तो हम दोनों ग्रिल चिकन खाए और हस्बैंड इतना टेस्टी ग्रिल चिकन बनाए थे ना कल, मैं बोली आज ही आपको बनाना पड़ेगा। तो आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और आज फिर मैं उनसे ग्रिल चिकन बनवाई हूँ, बहुत टेस्टी बनाते हैं यार। तो चलिए, आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।